हेलो आय शाह नवाज वेलकम टू यू इन दिस लेक्चर एंड टुडे आई एम कंटिन्यूइंग द चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर एंड इन दिस पार्ट एट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी यस इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और मैं ऐसा कहूँ कि एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारी डेली रूटीन लाइफ की डेफ़िनेटली ट्रांसफॉर्मेशन एनर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी से ही हमारा लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है इस यूनिवर्स में या मैं ऐसा कहूँ कि इस पूरी यूनिवर्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ है ऑब्वियसली वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का ही एक एग्ज़ाम्पल है तो चलिए वन बाय वन हम इसे समझते हैं कि एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ़ एनर्जी है क्या और हम इसे किस तरह से महसूस कर पाते हैं किस तरह से इसका हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में यूज़ कर पाते हैं या ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को देख सकते हैं तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़ लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्स यस जैसा मैंने अभी कहा कि हम इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर पा रहे हैं इस अर्थ पर एग्जिस्ट कर पा रहे हैं तो ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की वजह से ही है ऑब्वियसली कितना इम्पॉर्टेंट है देखिए हम समझते हैं इसे और सो so, अगर हम बात करें कि एनर्जी का सबसे मेजर सोर्स कौन है तो एनर्जी का सबसे मेजर सोर्स है सन है ना इस पूरे यूनिवर्स में जो सन है जो सन है ऑब्वियसली हमारे सोलर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है सन उस सन की अगर हम बात करें तो वो एक एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है जिसकी मदद से हमें हीट एनर्जी मिलती है हमें लाइट एनर्जी मिलती है ठीक है सो ये जो एनर्जी है जो हमें इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ लाइट सन से मिल रही है ये एनर्जी हमारी अर्थ पर आते आते बहुत सारे फॉर्म्स में ट्रांसफ़र भी होती है चलिए हम देखते हैं वन बाय वन अगर हम सन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें अगर हम हमारी डेली रूटीन लाइफ की बात करें ठीक है तो अगर हम देखेंगे कि सपोज कोई टॉर्च है उस टॉर्च से हमें लाइट मिलता है ऑब्वियसली आप हमेशा क्या करते हैं इसमें बैटरीज डालते हैं है ना इन बैटरीज को इस टॉर्च में लगाते हैं तो ये क्या होता है इस बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में ठीक है तो ये हो गया ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी केमिकल एनर्जी ट्रांसफर हो गई लाइट एनर्जी में ऑब्वियसली आपके पास व्हीकल्स हैं और आप व्हीकल में फ्यूल डलवाने के लिए जाते हैं किसी फ्यूल स्टेशन पर ऑब्वियसली इस फ्यूल स्टेशन पर जब आप जाते हैं तो उस फ्यूल की मदद से ही आपका व्हीकल जो है वो रन करता है तो यहाँ पर देखिए फ्यूल क्या हो गया बेसिकली एक तरह का केमिकल और इसकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है आपके व्हीकल की मैकेनिकल एनर्जी में ठीक है इसी तरह से अगर हम बात करें आपने ऑब्वियसली बाइकलिंग भी की होगी है ना जब आप साइकिलिंग करते हैं बाइसिकल चलाते हैं तो ऑब्वियसली इस साइकिलिंग के दौरान आप आपके शरीर की जो एनर्जी है ना आपकी बॉडी की जो एनर्जी है जो बेसिकली बायोलॉजिकल एनर्जी कहलाएगी ये बायोलॉजिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में ठीक है आप पैडलिंग करते हैं ऑब्वियसली आप एनर्जी कंज्यूम करते हैं और ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है आपकी साइकिल को रन करने के लिए आपकी बाइसिकल को रन करने के लिए

और इस बायोलॉजिकल एनर्जी ने आपकी मसल्स को पावर दिया आपकी मसल्स में एनर्जी जनरेट की और ऑब्वियसली एनर्जी की, की वजह से आपने की और आप इस मैकेनिकल एनर्जी को एग्जिस्ट कर पाए इसी तरह से आपके घर में बल्ब है ट्यूबलाइट है अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज हैं ऑब्वियसली जब वो रन करते हैं तो कब रन होते हैं जब उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी में या अगर कोई फैन चल रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है है ना मैकेनिकल एनर्जी में और वो मैकेनिकल एनर्जी जब फैन घूमता है तो हमें हवा मिलती है ऑब्वियसली वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है वाइंड एनर्जी में तो देखिए कितना सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है है ना अब ऑब्वियसली आपके घर में माइक्रोवेव ओवन होगा आप उसमें कुछ ना कुछ चीज़ों को गर्म करते होंगे है ना तंदूर करते होंगे तो यहाँ पर बैक करते होंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है ऑब्वियसली ये भी मत, किसकी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से रन होता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में और ये हीट एनर्जी क्या हो रही है आपके खाने को पका रही है और जिस तरह से मैंने कहा था कि सन या सन इज वन ऑफ द मोस्ट हाइएस्ट एनर्जी सोर्स ऑफ द यूनिवर्स या मैं सिंपल वे में कहूँ कि हमारे अर्थ के लिए सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है तो ऑब्वियसली सन से मिलने वाला जो लाइट है ठीक है वो अलग अलग फॉर्म्स में हमारे लिए काफ़ी होता है द द एनर्जी फ्रॉम सन इज काफीबल फॉर द विंड फ्लोइंग ऑफ द रिवर है ना तो देखिए यहाँ पर जो सन एनर्जी होती है ना सन से हमें जो लाइट एनर्जी मिलती है ऑब्वियसली उस लाइट एनर्जी की वजह से या उस सन से मिलने वाली हीट एनर्जी की वजह से ही रोटेशन ऑफ एयर जो होता है है ना जो अर्थ जो एयर का रोटेशन होता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट में ऑब्वियसली ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है सन से जो हमें हीट एनर्जी मिल रही है ठीक है ओब्वियसली जो नदियों में पानी बहता है है ना जो रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है वो भी बेसिकली किसकी वजह से होता है इस सन से जो हमें एनर्जी मिल रही है उसकी वजह से तो ऑबियसली अगर मैं बोलूँ कि सन की मदद से हमें हवाओं का चलना पॉसिबल हो पा रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर सन एनर्जी जो है या लाइट एनर्जी जो है या फिर जो हीट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है वेंड एनर्जी में अगर मैं कहूँ कि सन की मदद से ही नदियों में पानी का प्रवाह हो रहा है या फिर वाटर फ्लो हो रहा है रिवर्स के अंदर तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी क्या हो रहा है सन एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इन टू दाइड्रो इलेक्ट हाइड्रो एनर्जी ठीक है तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ऑब्वियसली यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब भी सन एनर्जी मिलती है या हीट मिलती है तो इन नदियों से इन समुद्र से है ना इन ओशन से क्या होता है वाटर वेपोराइज होता है वाटर वेपोराइज होकर कहाँ पहुँच पहुँचता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट में और बादलों के फॉर्म में हमें नज़र आता है ओब्वियसली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन uh, हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है हीट एनर्जी इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू टू द वेपर्स है ना वाटर वेपर्स तो यहाँ पर देखिए इतने सारे कन्वर्जन हो रहे हैं एनर्जी के ऑब्वियसली ये सारी की सारी जो एक्टिविटी है ये सारी की सारी जो फिनोमिनाज हैं ये हमारी डेली रूटीन लाइफ के एक इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज हैं या मैं ऐसा कहूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना इतने हैं कि इनकी वजह से हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है तो देखिए कितना इम्पॉर्टेंट uh, है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी और जैसा मैंने अभी कहा था कि हमारी पूरी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ़ एनर्जी का ही एक एग्ज़ाम्पल है तो यहाँ से आप उसे समझ सकते हैं इसके अलावा अगर मैं बात करूँ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बेसिकली आपने देखी है कितनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है है ना हमें ऑक्सीजन मिलती है और हम इस अर्थ पर एग्जिस्ट कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये कब पॉसिबल हो पाती है ऑब्वियसली जब सनलाइट मिलता है तो जब सनलाइट मिलता है प्लांट्स को ट्रीज़ को तो ये जो सनलाइट है ये ऑब्वियसली इसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू टू द ऑक्सीजन एंड सुगर्स ठीक है अगर मैं ऐसा कहूँ कि जो प्लांट्स एंड ट्रीज हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है वो उसे गैन कर रहे हैं और हम इन्हें वाटर प्रोवाइड करते हैं या फिर ये वाटर ले रहे हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फाइनली ये हमें देते हैं ऑक्सीजन एंड सुगर्स ठीक है सो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाई विच द्लांट्स मेक देअर फूड एनर्जी फ्रॉम द सन ठीक है तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रही है या मैं ऐसा कहूँ कि केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ठीक है अगर मैं बात करूं द एनर्जी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि सन एनर्जी और लाइट सन एनर्जी की वजह से ही या हीट एनर्जी की वजह से ही या सन से मिलने वाले हीट की वजह से ही हवाओं का चलना पॉसिबल हो पा रहा है है ना हमारा जो एयर है वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में फ्लो हो पा रहा है तो ऑब्वियसली जब हवाएं चलती हैं है ना जब हिली एरियाज़ में तेज़ हवाएं चलती है तो इन तेज़ हवाओं का यूज़ हम करते हैं इस विंड एनर्जी का हम यूज़ करते हैं विंड मिल की मदद से जब ये विंड मिल्स में जो ब्लेड्स होती है इन हवाओं के टकराने की वजह से घूमती है ऑब्वियसली ये जो विंड्स हैं रोटेट होती है विंड्स जब रोटेट होती है तो इन विंड्स के रोटेशन की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं है ना विंड मिल्स आपने देखा है विंड मिल्स का यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए तो ये कैसे पॉसिबल होता है कि जब हवाएं चलती हैं हवाएं चलती हैं और वो इन ब्लेड्स से टकराती है इन ब्लेड्स से टकराती हैं फाइनली ये जो विंड्स हैं ये रोटेट होती है ये रोटेट होती हैं है ना ये जो ब्लेड्स हैं विंड मिल की ये रोटेट होंगी ये जब रोटेट होंगी तो इनके रोटेशन की वजह से टरबाइन टरबाइन है ना टर्बाइन घूमना शुरू करेगा टर्बाइन घूमना शुरू करेगा तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, एक तरह का इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है और वो जब घूमेगा वो जब घूमेगा तो क्या होगा उसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी का हम डोमेस्टिक और कमर्शियल पर्पज से यूटिलाइजेशन कर पाते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ विंड एनर्जी कन्वर्ट हुई मैकेनिकल एनर्जी में और ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो देखिए कितना ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर एनर्जी का तो ऐसे बहुत से और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के जो हमारी डेली रूटीन लाइफ में हम देखते हैं फील करते हैं महसूस करते हैं और उनकी मदद से ही हम हमारी लाइफ में एग्जिस्ट कर पा रहे हैं ठीक है तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक्चर था और काफ़ी जनरलाइज लेक्चर था मैं ऐसा कहूँगा इसे डेफिनेटली आपने इसको फील uh, किया होगा और आपने इसको इंजॉय uh, भी किया होगा इस लेक्चर को ठीक है तो इसे आप प्लीज़ एक से दो बार और ज़रूर देखिएगा डेफ़िनेटली यू विल सॉल्व योर ऑल डाउट्स एंड क्यूरीज़ और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड एंड आई विल सॉल्व योर क्यूरीज़ थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको जो सामने फेज़ आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग